नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है। उसी कड़ी में हम अब आगे पढ़ रहे हैं। जनन तंत्र चल रहा था और जनन तंत्र के अंदर हमें पढ़नी है सहायक ग्रंथियां। क्या पढ़ना है अपने को? सहायक। आज का ये दूसरा वीडियो है ग्रंथियां। देखिए, सहायक ग्रंथियों के अंदर अंदर जब बात करते हैं तो मूल रूप से तीन प्रकार की सहायक ग्रंथियां नर के अंदर पाई जाती है। नर जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथियां हैं वो तीन हैं। सबसे पहले आती है प्रोस्टेट ग्रंथि। संख्या होती है इसकी, ध्यान देना हमेशा, संख्या होती है एक और पाली होती है इसकी दो। पाली कितनी होती है? दो पालियां होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर अगर अपन जानते हैं तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में दूसरी हमारे पास में आती है शुक्राशय और तीसरा हमारे पास में आता है काउपर्स ग्रंथि। संख्या इसकी भी हमारे पास में कितनी होगी बोलो? एक होगी। और संख्या इसकी भी कितनी होगी? एक होगी। ये एक छोटा सा ब्रीफ में समझाने का तरीका था जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा है। सहायक ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या करेगी? सहायक ग्रंथियां वीर्य का निर्माण करेगी, सीरम बनाएगी, निर्माण करती है। ध्यान देने वाली बात है। दूसरा काम क्या करती है? मार्ग को सुगम बनाती है। तीसरा काम क्या करती है? तो शुक्राणु को पोषण करती है, यानी कि इन ग्रंथियों से जो स्त्राव निकलता है वो क्या करता है? शुक्राणु को पोषण करता है। और क्या करता है? गमन करता है, गमन कराने में सहायक होता है। तो अगर कोई पूछे आपको कि सहायक ग्रंथियां जो होती हैं क्या काम करती हैं, तो ये ध्यान रखना कि सहायक ग्रंथियां मूल रूप से क्या करेगी? शुक्राणु के पोषण में, शुक्राणु के गमन में, उनके मार्ग को सुगम बनाने में और वीर्य का निर्माण करने में सहायक होती है। अब देखते हैं, एक एक ग्रंथि उठा के चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। संख्या इसकी आपको पता ही पड़ गई है कि एक है और पिंड अगर देखे जाए इसके तो कितने हैं हमारे पास में? दो है। क्या करता है ये? तो हल्का क्षारीय पीला पदार्थ का स्त्रावण करता है। हल्का क्षारीय और पीला पदार्थ का क्या करेगा? स्त्रावण करेगा। क्या करेगा? तो वीर्य का 25 से 30 प्रतिशत भाग बनाता है। अगर अपन वीर्य की बात करें तो ये वीर्य का कितना? 25 से 30 प्रतिशत क्या करेगा? ये भाग का निर्माण करेगा, है ना। क्या होगा इसके अंदर घटक क्या होंगे? तो घटक के रूप में देखा जाए तो इसमें सिट्रेट, फॉस्फेट और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। क्या क्या होंगे? सिट्रेट होंगे, फॉस्फेट होंगे और लाइसोजाइम जो हैं वो पाए जाएंगे। क्या कार्य करता है ये? यानी कि मैं अगर बात करूं कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इससे स्त्रावित पदार्थ कैसा होता है? प्रतिस्कंदक का मतलब क्या हो गया? ये रोकने का कार्य करता है। और क्या करता है? शुक्राणु को सक्रिय करता है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है। एक तो ये क्या कर रहा है कि प्रतिस्कंदक का कार्य कर रहा है। प्रतिस्कंदक किसे बोलेंगे? जो
किसी भी प्रकार से वीर्य को जमने से रोकने का काम करे। कितना परसेंट है ये? 25 से 30% है। और क्या कर रहा है तो इसको समझना कि शुक्राणु को सक्रिय करने का कार्य कर रहा है। सक्रिय करना बहुत महत्वपूर्ण है। निष्क्रियता से अगर शुक्राणु है तो वो इतनी बाधाओं को पार करने के बाद में अंडाणु तक नहीं पहुंचेगा। और अगर अंडाणु तक इसे पहुंचाना है तो शुक्राणु कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। और ये क्या बड़ी इसमें सबसे बात क्या होगा कि इसकी जो मात्रा है कितनी है? केवल वीर्य के अंदर 25 से 30% है। शारीरिक माध्यम है, हल्का पीले रंग का होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं एक इम्पोर्टेंट नोट डाल देता हूँ यहाँ पर, इम्पोर्टेंट नोट डाल देता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है आयु बढ़ने पर जब मनुष्य की आयु बढ़ती है बढ़ने पर मूत्र मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने के बाद में क्या कर देगी? मूत्र मार्ग को अवरुद्ध कर देगी। और हम जानते हैं कि जब मूत्र मार्ग को अवरुद्ध कर देती है तो शल्य चिकित्सा के द्वारा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा इस प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। क्योंकि ये मूत्र मार्ग को, जैसे ये मूत्र मार्ग है इसके दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ होने के बाद में जब आकार में बढ़ जाएगी तो मूत्र मार्ग को क्या कर देगी? दबाने का काम करेगी। और ऐसी स्थिति में जो मूत्र विसर्जन की क्रिया है वो प्रभावित होगी और नहीं हो पाएगी। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर क्या करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तो फिर प्रतिस्कंदक का काम भी नहीं होगा, शुक्राणु सक्रियण का काम भी नहीं होगा, ये सब काम रुक जाएंगे। बिल्कुल। तो अब बताइए कि मैंने यहाँ पर शब्द क्या यूज़ किया है? आयु बढ़ने पर। आयु बढ़ने मतलब वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था में वैसे भी शुक्राणु का कोई कार्य नहीं होता है। सक्रिय रूप से युवा जो हैं उन्हीं के लिए क्या होता है? हमारे काम के लिए शुक्राणु होते हैं। उनके बाद में वृद्धावस्था में कोई भी प्रजनन क्रिया नहीं होती है या कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। चलिए, ये हमने किस ग्रंथि की बात करी? हमने प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करी। अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे दूसरी की, यानी कि शुक्राशय की, जिनकी भी संख्या एक है। इसको पूरा उतार लिया हो तो मैं इसको मिटा दूँ। चलिए मिटा देते हैं, वापस चलते हैं अपन इस बात के अंदर। और यहीं पे लिख देता हूँ मैं प्रोस्टेट के बाद में हमारे पास में दूसरा भाग बनता है, मुख्य भाग कौन सा है? शुक्राशय। दूसरा भाग कौन सा आएगा? शुक्राशय। क्या होगा? मूत्र मार्ग एवं मल मार्ग के मध्य पाया जाता है। ठीक है, कैसा होता है ये? शारीरिक माध्यम होता है, माध्यम प्रकट करता है। इसकी कितनी मात्रा होती है? तो वीर्य में मात्रा 60% होती है। और क्या महत्वपूर्ण है? इसमें फ्रुक्टोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्या काम की है ये? पोषण प्रदान करती है। अब देखो शर्करा शब्द आया है तो क्या होगा? पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी? पोषण प्रदान करती है। अब अगर मान लो एक मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछ लूं यहां पर, है ना, कि फ्रुक्टोज का क्या महत्व है? भाई अगर ये पोषण प्रदान कर रही है शुक्राणु को तो सबसे बड़ा महत्व है। लेकिन अगर फोरेंसिक लैब के हिसाब से देखा जाए, है ना, अपराध जितने भी होते हैं जैसे कि रेप हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में
वीर्य में क्या देखा जाएगा, फ्रुक्टोज देखा जाएगा। अगर उनके कपड़ों पे नमूने या कहीं पर भी क्या प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति की फ्रुक्टोज शर्करा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये केवल और केवल कहाँ पाई जाएगी, वीर्य में। और वीर्य में भी कौन सी ग्रंथि दे रही है इसको, शुक्राशय दे रही है। कितना प्रतिशत है, 60% वीर्य है, तो उसमें शुक्राशय में क्या होगी, फ्रुक्टोज की मात्रा होगी अनिवार्य रूप से। और ये पता लगाने में सहायता मिल जाएगा कि क्या ये घटना वास्तव में हुई है अथवा नहीं हुई है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फ्रुक्टोज शर्करा क्या करेगी, पोषण में सहायक होती है। और किसके पोषण में सहायक होती है, शुक्राणु के पोषण में सहायक होती है, ठीक है ना, ले लिया। नेक्स्ट चलिए, अब हमारे पास में तीसरी ग्रंथि आती है, कौन सी, काउपर्स ग्रंथि। इसी कौन सी आ रही है, काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि जो होती है, ये इसकी बात करें, तीसरी ग्रंथि है काउपर्स ग्रंथि। ये कैसी होती है, अंडाकार होती है, अंडाकार होती है। और कहाँ पाई जाती है, मूत्र मार्ग के दोनों दोनों ओर, मूत्र मार्ग के दोनों ओर पाई जाती है। देखिए काउपर्स ग्रंथि जो होती है वो मूत्र मार्ग के दोनों तरफ पाई जाएगी, अंडाकार होती है। आकार में कैसी होगी, अपेक्षाकृत कैसी होगी, तो छोटी होती है ना। और ये क्या काम करती है, ये मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया के समय समय चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है। देखिए मैथुन क्रिया के समय जो चिपचिपा पदार्थ है उसको स्रावित करने का काम किसका है, काउपर्स। तो उद्देश्य या कार्य क्या हो गया, कार्य हो गया मादा की योनि में सुगमता प्रदान करना। मादा की योनि के अंदर क्या होगा, सुगमता प्रदान करने के लिए काउपर्स ग्रंथि पाई जाएगी। अब सुगमता किसे, तो जो पेनिस है जो शुक्राणुओं को लेकर जा रहा है उसे मार्ग अवरुद्ध ना हो, है ना, किसी प्रकार का घर्षण उत्पन्न ना हो, इसीलिए योनि क्या करेगी, योनि के अंदर क्या करेगी, ये मैथुन क्रिया के दौरान काउपर्स ग्रंथि एक विशेष प्रकार का पदार्थ जो कि क्षारीय होगा, कैसा होगा, क्षारीय होगा, ध्यान रखना, ये क्षारीय पदार्थ का क्या करेगी, स्त्रावण करेगी। हमने आज की क्लास में तीन क्या पढ़ ली है, तीन ग्रंथियों के बारे में बात कर ली है। आज ही क्लास में मैं अगली जो तीसरी क्लास है उसी के अंदर लेके आ रहा हूँ, और वो आ रहा है हमारे पास में पेनिस की बात करेंगे, ताकि पेनिस कंप्लीट होने के बाद में हम कह सकें कि मानव नर जनन तंत्र पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बैक टू बैक ये तीनों क्लासेस देखनी है, मैं कंटिन्यू आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो तीसरी क्लास में मिल रहे हैं आज ही। जय हिंद, जय भारत।